आखिर किन लोगों को सबसे ज्यादा होता है स्किन कैंसर का खतरा और क्या है इसका कारण, आइए इस वीडियो में जानते हैं। दरअसल स्किन कैंसर तब होता है जब आपकी त्वचा की सेल्स के बढ़ने के तरीके में कुछ खास तरह के बदलाव होते हैं। दरअसल स्किन कैंसर पराबैंगनी किरणों के संपर्क में आने से होता है, यानी यूवी रेस के कॉन्टैक्ट में आने से होता है। इसकी शुरुआती लक्षणों में स्किन पर नए उभार या पैच या फिर त्वचा की कुछ बढ़ोतरी के कुछ आकार नजर आते हैं या रंग में कई तरह के चेंजेस शामिल हैं। ज्यादातर स्किन कैंसर का इलाज पॉसिबल है अगर इसे वक्त रहते जल्दी पकड़ लिया जाए। इन इलाजों में मोहस सर्जरी, क्रायोथेरेपी, कीमोथेरेपी शामिल होती है। अब ऐसे में जानते हैं कि आखिर किन लोगों को स्किन कैंसर का खतरा सबसे ज्यादा रहता है। तो आपको बता दें, जो लोग घंटों खेत में मजदूर, माली और बिल्डिंग में काम करते हैं, उन्हें गैर मेलानोमा त्वचा कैंसर का खतरा ज्यादा होता है। त्वचा कैंसर गोरी त्वचा वाले लोगों को ज्यादा होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि उनमें मेलानिन कम होता है। जिन लोगों की फैमिली हिस्ट्री रही है उन लोगों को स्किन कैंसर का खतरा काफी ज्यादा रहता है। जिसके परिवार में स्किन कैंसर के मरीज पहले से हों उनके परिवार में ये बीमारी आगे भी फैलने का डर रहता है। जिनके स्किन का रंग काफी ज्यादा गोरा होता है उन्हें भी स्किन कैंसर का काफी ज्यादा खतरा रहता है, क्योंकि ऐसे लोगों की त्वचा धूप में तुरंत झुलस जाती है। इसके अलावा जिनके बाल लाल या हल्के रंग के होते हैं उन्हें भी स्किन कैंसर का खतरा ज्यादा रहता है। जिनकी आंखों का रंग हल्का होता है उन्हें भी स्किन कैंसर का खतरा काफी ज्यादा होता है। जो लोग काफी ज्यादा समय धूप में बिताते हैं उन्हें सन लैंप या टैनिंग बेड का खतरा काफी ज्यादा होता है। कुछ लोगों में ये बीमारियां जेनेटिक होती हैं। हेल्थ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि धूप के लंबे एक्सपोजर में रहने की वजह से बेसल सेल कार्सिनोमा हो जाता है। सूरज की हानिकारक यूवी किरणों या टैनिंग बेड का लंबे समय तक यूज करने वालों को ये स्किन कैंसर बाकी लोगों की तुलना में ज्यादा होता है। अगर कोई इंसान लंबे समय तक धूप में रहता है तो उसकी स्किन की बेसल सेल में कैंसर पैदा करने वाली कोशिकाएं बन जाती हैं। ये मस्से बंप या घाव के रूप में त्वचा पर दिखने लगता है। अक्सर माथे, नाक, निचले होंठ, गाल, गर्दन और कानों पर गुलाबी या लाल रंग का बंप दिखता है। कई बार स्किन पर ये एक रैश की तरह दिखता है जिसमें खुजली होने लगती है और पपड़ी जम जाती है। घाव दिखने लगते हैं, कई बार घाव फट जाता है और खून तक बहने लगता है। इसके अंदर खून की कोशिकाएं तक दिखने लगती हैं। कई सिचुएशन में चेहरा या हाथ पैरों पर कोई मस्सा भी बेसल सेल कार्सिनोमा का लक्षण हो सकता है। जिन लोगों की इम्यूनिटी कमजोर होती है उन्हें भी स्किन कैंसर का खतरा काफी ज्यादा रहता है। जिन लोगों के पीने वाले पानी में आर्सेनिक होते हैं उन्हें भी स्किन कैंसर का खतरा काफी ज्यादा होता है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।